तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब वेस्टेड चैनल पर फिर से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम RRB JEE CVT 2 के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक करने वाले अपने बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही हाई रेटेड टॉपिक है, जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों, ये बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जाननी है, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। 100% श्योर दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर टॉपिक से हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये दोनों में एक साथ करेंगे, और हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन से इस सारे वीडियो लेक्चर की आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, और वहीं से पढ़ लीजिएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, RRB JEE CVT 2 के लिए, जिसके आप सभी को पता है कि एग्जाम की डेट आ गई अगस्त की लास्ट में या फिर सितंबर की फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होने वाली CVT 2 की, उसके लिए दोस्तों कम समय है, और हमारे यहाँ पे ये पार्ट 8 है, यानी कि लगभग आपकी अब तो खत्म हो ही गई है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी तो आराम से हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बस जितने सारे हमारे वीडियोज़ है सारों को आप मन लगा करके देखा करिए, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल पे दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर ये वीडियो, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देखिए PDF इसी तरह से है, आपको मिल जाएगी, सारे PDF आप अच्छे से रीड डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग अप ऑफ द ग्लोब व्हेन एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब द हीट बजट, ठीक है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, ग्लोब यानी कि अर्थ, अर्थ की हीटिंग, यानी कि अर्थ अगर जो गर्म हो जाती है, क्यों, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, जितने सारे ग्रीन हाउस गैसेस है उसके कारण और उसके डिस्टरबेंस के कारण एटमॉस्फेयर में डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी बजट जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस की बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके कारण हमारा ग्लोब क्या हो जाता है, ग्लोब यानी कि अर्थ, अर्थ हमारा हीट हो जाता है, अर्थ हमारा हीट होने लगता है, इसके कारण दोस्तों क्या होता है, इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बस यही सिंपल सी बात है जो आपको समझ है, ठीक है। तो देखिए बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग हीट, यानी कि हीट बजट, हीट की जो बजट होती है, जो बैलेंस होती है, जो हीट आती है या फिर जो बाहर हीट निकलती है उसके बारे में, जो अर्थ की होती है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि क्या, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो ग्लोब हमारा हीट हो जाता है, इनके यानी कि जो बजट होते हैं, यानी कि जितने सारे इनके कंपोजिशन है, जो वो अब एटमोसफियर में अगर जो इंक्रीज कर जाता है तो हमारा एटमोसफियर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारा अर्थ हीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, बस इतनी सी बात है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। ये आपकी डिफिनेशन हो गई, विच अदरवाइज रिमेंस बैलेंस, यानी कि या तो वो बैलेंस रहेगी या तो हीट रहेगी, यानी कि ठीक है। तो सिंस हीट रिमेंस ट्रैप्ड विद इन द अर्थ एटमोसफियर, टेम्परेचर बिगिन टू राइज, यानी कि क्या होता है दोस्तों, जो हमारा हीट का बजट है उसमें क्या होता है कि अगर जो एक बार हीट वहाँ पे एंटर कर जाती है तो हमारे एटमोसफियर में बहुत टाइम तक हीट क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है, कि रिमेंस ट्रैप्ड विद द अर्थ एटमोसफियर, अर्थ के एटमोसफियर में ये जो हीट जो आती है, ये सारे हीट क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी कि ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं सारे हीट, और यही हीट के कारण टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, बोथ लैंड एंड सी टेम्परेचर, लैंड की टेम्परेचर और सी की टेम्परेचर दोनों बढ़ने लगती है, और इसके कारण दोस्तों क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हीट क्रिएट होने लगता है, हमारा ग्लोब यानी कि हमारा अर्थ गर्म होने लगता है, और इसी सिचुएशन को दोस्तों क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इसी सिचुएशन को कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक विटनेस है यहाँ पे, स्टीडी इंक्रीज सिंस 1980 के बाद धीरे धीरे ये जो हमारा अर्थ है इसकी टेम्परेचर हर साल बढ़ते ही जा रही है, हर साल बढ़ते ही जा रहा है, व्हेन रिकॉर्ड कीपिंग बिगेन, यानी कि हम 1880 से हर जो हमारा अर्थ है, अर्थ की हीटिंग को हम यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं दोस्तों, कैलकुलेट करते जा रहे हैं और उसे मेजर करते जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि हमारा अर्थ जो है, हमारा ग्लोब जो है, धीरे धीरे और हीट होते जा रही है। इस बार दोस्तों हम बात करते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गई थी, अब आगे हम बात करें तो जो हमारा टेम्परेचर है आने वाले साल में, जो गर्मी मौसम में हमारा टेम्परेचर आएगा दोस्तों, हम मान सकते हैं कि कम से कम 2 से 3% तो इंक्रीज करेगी ही, ठीक है। तो 50 से आपको पता चल जाता है दोस्तों, 53 डिग्री सेल्सियस तक आपकी हीट यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर, तापमान आपका अगले वाल गर्मी में अगले साल आप 50 से 51 52 ऐसा मान सकते हैं, यानी कि प्लस वन टू, ठीक है, इतनी टेम्परेचर तो हर साल बढ़ते ही जा रही है दोस्तों, ठीक है, हर साल इतनी टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इससे क्या होता है दोस्तों। देखिए आपको पता है पानी की जो बैक्टीरिया होती है, पानी में जो बैक्टीरिया होती है उसको मारने के लिए 70 डिग्री या फिर 73 डिग्री सेल्सियस की होना अनिवार्य रहता है। इतना में अगर जो इतना डिग्री सेल्सियस में पानी को आप हीट कर देते हैं तो उसकी बैक्टीरिया मर जाएगी। अब आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल होने लगते हैं, ठीक है, वाटर बॉयल होने लगते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस में आप तापमान झेल रहे हैं। अब आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस होती है ह्यूमन की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 17-17 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये हीट में आप सर्वाइव कर पाएंगे दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ही दिक्कत होने वाला है आपको आने वाले टाइम में, हमारे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होने वाली है और हीट इतना ज़्यादा हमारे ग्लोब हो जाएगा कि आने वाला टाइम में आप कह सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है ये लगभग ख़त्म ही हो जाएगी, या ख़त्म ही हो जाएगी। अब सब सब लोगों के पास तो अफोर्डेबल नहीं होती है कि वो एसी कॉम्प्लेक्सेस में रहे, एसीज में रहें। बहुत सारे लोग रह लेते हैं बट सारे लोग के लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी बॉडी सस्टेन करेगी वैसी वातावरण में, वैसी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये बात है ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग जितना भी ये दोस्तों ये टॉपिक है, ये आपको सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, आपके सोचने की लेवल कितना ज़्यादा है। और क्वेश्चन भी जो इसमें आएंगे दोस्तों, सब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएंगे जो आपको आगे देखने को मिल सकता है, या फिर जो इसकी मेजर्स क्या होंगे, यही आपको इस सवाल में यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट से, कि क्या मेजर्स लिया जाए जो हम ग्लोबल वार्मिंग सुधार पाए दोस्तों। अब सिंपल से आप बात एक तो जानते हैं कि प्लांट जितने से ज़्यादा हो सकता है प्लांट को प्लांट किया करिए, ट्रीज प्लांट करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलने लगेगी। बट इससे क्या होगा दोस्तों, अब आपको रोड की आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, रोड अगर जो बनानी है आपको तो वहाँ पे जंगल पेड़ वगैरह तो काटनी है। अब आपको पेपर चाहिए, पेपर के लिए तो आपको बैम्बूज वगैरह काटने ही पड़ेंगे, पेड़ काटने ही पड़ेंगे। तो यानी कि ह्यूमन की नीड, ठीक है, ह्यूमन की नीड जो है दोस्तों वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करते जा रहा है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करते जा रहा है दोस्तों। अब देखिए हमारी पॉपुलेशन है बहुत ही जल्द, कुछ अगर जो हम बात करें तो 30 से 50 साल के बीच हम चाइना को ज़रूर आराम से पीछा छोड़ देंगे, जो हमारे देश का ये पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन और पोल्यूशन किस तरह से कोरिलेटेड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक पिछले लेक्चर में बता रखा था। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है जो आपको आराम से समझ के पढ़ना है, तो हम इसे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की मतलब समझ चुके हैं, यानी कि हीटिंग अप अप ऑफ ग्लोब ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के मात्रा बढ़ने के कारण जो हमारा ग्लोबल यानी कि जो हमारा ग्लोब है वो हीट हो जाता है। ग्लोब का मतलब अर्थ होता है, आपको अच्छे से पता होगा, जस्ट यही ग्लोब यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब की वार्मिंग हो जाए यानी कि हीटिंग अप ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए दोस्तों ये सिंपल सी एक फिगर है जिसमें आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा अर्थ क्या हो रही है, हीट होते जा रही है। अब देखिए सोलर एनर्जी है, अर्थ से यहाँ पे रेडिएशन डायरेक्टली आ रही है, हमारे यहाँ पे एक्सोस्फीयर है, यहाँ पे एटमोसफियर आपको देखने को मिल रहा है, और ये ट्रोपोस्फियर जो फर्स्ट लेयर जिसे कहा जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ब्लैंकेट बनी रहती है, आपको किस चीज़ की ब्लैंकेट बनी रहती है दोस्तों, यहाँ पर आपको ओजोन लेयर बनी हुई रहती है जो कि हमें यूवी रेज से बचाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, हीट जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे आए जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे आउट गोइंग की हम बात करें तो 65% यहाँ पे आउट गोइंग हो रही है यानी कि बाहर जा रही, हीट इज रेडिएटेड एब्जॉर्ब रिफ्लेक्टेड 35%, ठीक है, अल्बेडो द्वारा ये बताया गया था। और इनकमिंग यहाँ पे दिखा रहा है 65% है, जिसमें से 14% के आसपास हो जाती है। अर्थ एब्जॉर्ब कितना कर रही है, 51% अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। अर्थ रेडिएशन टेरेस्ट्रियल कन्वेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ दिए गए इस फिगर में कि किस तरह से अर्थ कितना परसेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ पे तो देखिए बस 34% दिखाया रहा है दोस्तों, बट आप यहाँ पे जब सेल्सियस की बात करेंगे तो अर्थ अभी के टाइम में हमारे इंडिया के तरफ अगर जो हम बात करते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान एब्जॉर्ब कर रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला आ गया वाले टाइम। तो ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, फिगर थोड़ा एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी एविडेंस क्या होगी, किस तरह से पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे, राइज इन एवरेज सरफेस टेम्परेचर बाय 0.9% डिग्री सेल्सियस एज पर द NOAA। अब नोआ क्या होता है दोस्तों, तो ये है नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने ये बताया दोस्तों कि हर बार यहाँ पे
0.95 डिग्री सेल्सियस की क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ोतरी हो रही है हर साल, या फिर हर बार इतने टेम्परेचर हर बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था +1 से 2 हर साल बढ़ते हैं, यहाँ पे 0.95 बताया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पर बताया गया है, यानी कि हर साल इतना इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब है यहाँ पर दूसरा टॉपिक, एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर राइज हैज़ बीन ऑब्जर्व टू बी नियरली 0.07 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड, यानी कि हर एक डिकेड में 0.07 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जा रही है। अब दूसरा हम बात करते हैं, तो IPCC ने प्रिडिक्ट किया था कि राइज इन टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि 21st सेंचुरी की अगर जो एंड तक हम बात करेंगे जो है दोस्तों, अगर जो कितनी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे बात किया गया है कि 5.4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ जाएगी, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो अभी चल रहा है उससे 5.4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगी। किसके किसके द्वारा बताया गया दोस्तों, IPCC द्वारा बताया गया है, ठीक है, तो 21st सेंचुरी के एंड तक इतनी डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएंगे। अब देखिए, 16 ऑफ वर्ल्ड्स हॉटेस्ट ईयर हैव अकर्ड सिंस 2000 एज पर द नासा रिकॉर्ड, ठीक है, तो देखिए नासा के रिकॉर्ड के तहत ये बताया गया था दोस्तों कि 16 ऑफ द वर्ल्ड हॉटेस्ट ईयर 2000 में, 2000 के बाद से टोटल 17 हॉटेस्ट ईयर यहाँ पे देखने को मिला है 2000 के बाद, ये नासा ने ये रिकॉर्ड में बताया, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जितने सारे हमारे ग्लेशियर होते हैं जो पोलर आइसेस होते हैं, वो सारे दोस्तों क्या हो गए, वो सारे सी लेवल में आ गए हैं, क्यों, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड पोलर आइसेस कैप एंड सी लेवल राइज ऑल्सो एविडेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जितने सारे हमारे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़े होते थे, ग्लेशियर होते थे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सारे पिघलने लगे, और ये सारे सी लेवल जो होता है दोस्तों हमारे, ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये सारे, अब देखिए ग्लेशियर भरेंगे तो सी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ही, तो इसमें क्या हो गया, ये एविडेंस देता है हमें कि ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण सारे ग्लेशियर मेल्ट होने लगे, यानी कि पिघलने लगे। अगला हम यहाँ पे देखते हैं कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता क्यों है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंटें दिए गए जिसे अब हम यहाँ पे रीड डाउन करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ GHGS क्या है दोस्तों, यह है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमोसफेयर, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर गए हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि स्कैटर्ड हो गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं आप इसे कहेंगे, यानी कि एक, यानी कि जमा हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस आप बार बार सुनने को मिल रहा है, अब हम जरूरी बात करेंगे, तो देखिए द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, बेसिकली हम बात करते हैं तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये सबसे हमारा प्राइमरी है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में से हमारा प्राइमरी जो गैसेस है वो CO2 होता है, और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, तो द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, दीज गैसेस कलेक्टेड इन द एटमोसफियर एंड प्रिवेंट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टू एस्केप द अर्थ एटमोसफियर, देयर बाय कॉजिंग ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज, मेजर दिस कॉज बाय, यानी कि अब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं कि ग्लोबल, ये यानी कि क्यों होता है ग्लोबल वार्मिंग, ये जो टेम्परेचर राइज हो रही है क्यों हो रही है, ये दिए गए पॉइंट है। बट यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जाना दोस्तों, ये जो लाइन हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ से हमने ये जाना कि एटमॉस्फेयर में सारे ग्रीन हाउस गैसेस स्कैटर्ड हो गए, यानी कि ट्रैप्ड हो गए हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो जितने भी टेरेस्ट्रियल जो पार्ट है, ठीक है, ये रेडिएशन क्या हो गए, स्केप कर जाते हैं अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ, अर्थ की टेम्परेचर है, ठीक है, अर्थ से ये क्या करते हैं, रेडिएट, यानी कि स्केप करके एटमॉस्फेयर में आके जमा हो जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, एटमॉस्फेयर के कारण हमारा ग्लोब पूरा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर उसकी राइज होने लगती है। अब ये सब होने का कारण दोस्तों, जैसे कि अभी दिए गए पॉइंट में पढ़ेंगे, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, जो फॉसिल्स फ्यूल जलते हैं उसके कारण दोस्तों बहुत ही ज़्यादा CO2 की, यानी कि मात्रा बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है, यानी कि अब हम फॉसिल फ्यूल क्यों जलाएंगे, फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स आप क्यों जलाते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के कारण, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो फ्यूल्स तो आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर यानी कि डिलिबरेट क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर प्लांटेशन, प्लांटेशन के लिए आप फॉरेस्ट को जलाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट जब जल रही है दोस्तों, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, बहुत सारी आपकी जो एटमॉस्फेयर है हीट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ए मेजर सोर्स ऑफ मिथेन, यानी कि जो एग्रीकल्चर हो गई और ये जो एनिमल हस्बेंड्री हो गई, इसमें से सबसे ज़्यादा जो गैस रिलीज होता है दोस्तों वो है मेजर सोर्स ऑफ मिथेन, यानी कि मिथेन गैस, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ कार्बन सिंक फ्रॉम द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से क्या होता है दोस्तों,
कार्बन सिंक की एलिमिनेशन हो जाती है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल कार्बन सिंक एड्स इन द बिल्ड अप ऑफ द हीट ट्रैपिंग गैसेस इन द एटमोसफियर, मेजर कॉजेज बिहाइंड द रिमूवल ऑफ द कार्बन सिंक आर। कार्बन सिंक ये जो है होती है दोस्तों, इसकी यहाँ पे मेजर दिए गए हैं नीचे, जो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे बात की कि ये जो कार्बन सिंक होती है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल कार्बन की जो सिंक होती है, ये क्या होती है दोस्तों, हीट ट्रैप करना स्टार्ट कर देती है गैसेस को, क्या करती है, हीट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में इसे क्या करने लगते हैं दोस्तों, ट्रैप करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर और ज़्यादा गर्म होने लगता है, ठीक है। और मेजर कॉजेज है कि क्यों कार्बन सिंक यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है कार्बन सिंक की, एलिमिनेशन क्यों हो रही है कार्बन सिंक की हमारे एटमोसफेयर में, तो दोस्तों यहाँ पे इंक्रोचमेंट इंटू वेटलैंड, यानी कि जो वेटलैंड आपको चाहिए उसके लिए इंक्रोचमेंट कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे आगे बात है, वेरिएशन इन अर्थ ऑर्बिट एंड चेंजेस इन द सोलर साइकिल ऑल्सो एट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे सोलर साइकिल है उसे चेंज होने के कारण भी बहुत ही ज़्यादा हमारे ग्लोबल वार्मिंग में मदद करता है, ठीक है, जो सोलर साइकिल जो चेंज हो रही है। अब आगे बात है, डिपोजिशन ऑफ सूट ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन के कारण एक्सेट्रा एक्ट एज ए पॉजिटिव रेडिएट फोर्सिंग एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि जितने सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे आपको ग्लोबल वार्मिंग में और टेम्परेचर बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो यही सारी कॉजेज है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ हम समझ चुके हैं अपने एयर पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन कॉज टू ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही सिंपल मेथड है ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए दोस्तों। एयर पोल्यूशन आप समझ चुके हैं तो ग्लोबल वार्मिंग आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग से हम बात करेंगे दोस्तों पार्ट बाय पार्ट, किस किस चीज़ में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, ह्यूमन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, एग्रीकल्चर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम सारे टॉपिक यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट देखने जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑन क्लाइमेट, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्लाइमेट में कैसा है। तो देखिए द राइज इन द टेम्परेचर वेदर इवेंट लाइक हरिकेन्स एंड साइक्लोन, यानी कि क्लाइमेट में क्या होता है दोस्तों, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हाई होने लगती है तो साइक्लोन्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। राइज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है, तो हरिकेन्स और साइक्लोन जो है दोस्तों, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है तो ये सारी चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, रिसर्चर्स एट MIT, ठीक है, MIT में जो रिसर्चर है उन्होंने एब्जॉर्ब किया है कि अटलांटिक एग्जिबिट हाई थर्मल पोटेंशियल। अटलांटिक में क्या होती है दोस्तों, हाई थर्मल पोटेंशियल है, मीनिंग वाटर कैन रैपिडली एवापोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर द साइक्लोन इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों क्या हो गई है कि जो टेम्परेचर बढ़ती है उसके द्वारा जो रिसर्चर्स जो जितने सारे MITs में हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि अटलांटिक में जो है जब हाई थर्मल हो जाएगी, थर्मल पोटेंशियल जब ज़्यादा हो जाएगी, हीट ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटर बहुत ही जल्दी बहुत ही रैपिडली एवापोरेट करने लगेगी। अब देखिए वाटर जब बहुत ही रैपिडली एवापोरेट करने लगेगी तो जानने की बात है कि इससे एटमॉस्फेयर में प्रभाव पड़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, किसके लिए दोस्तों, साइक्लोन के लिए। साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए क्या दोस्तों, जब एक्सेस एवापोरेशन होने लगेगी तो क्या हो जाएगी, साइक्लोन के लिए ये एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। अगला देखिए, अ 10-fold इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द हरिकेन्स इज प्रिडिक्टेड इफ द क्लाइमेट बिकम 2 डिग्री सेल्सियस वार्मर, यानी कि अगर जो 2 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा टेम्परेचर वार्मर हो जाएगी तो 10-fold यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी फ्रिक्वेंसी की हरिकेन्स के लिए, ठीक है, हरिकेन्स के लिए, समझ गए। अगले यहाँ पे देख रहे पॉइंट हम यहाँ पे, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म ड्यू टू राइज इन ए सी सर्फेस टेम्परेचर, यानी कि जो ट्रॉपिकल में है उसमें स्टॉर्म्स वगैरह भी आ सकते हैं अगर जो सी सर्फेस में टेम्परेचर बढ़ने लगे तो, ठीक है। तो ये सारे हैं कि क्लाइमेट में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, साइक्लोन्स आ सकते हैं, हरिकेन्स आ सकते हैं, स्टॉर्म्स आ सकते हैं, ठीक है, तो क्लाइमेट पे ग्लोबल वार्मिंग का इस तरह से प्रभाव पड़ता है। आगे हम बात करते हैं ऑन सीज, यानी कि समुद्र में इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप एंड रिसीडिंग ऑफ ग्लेशियर कुड कॉज नियरली 4 to 8 inches ऑफ द राइजिंग इन द सी लेवल एंड कॉज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड एंड सब मरीन इन टू द लाइंग एरियाज, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा दोस्तों, जितना सारा हमारे यहाँ पे पोलर आइस कैप्स है यानी कि जितने सारे ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़े बड़े ग्लेशियर है ठीक है। ये ग्लेशियर में जो एक्सेस वार्म होने लगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ये सारे ग्लेशियर क्या हो जाएंगे दोस्तों, धीरे धीरे पिघलने लगेंगे, और पिघल करके क्या करेंगे, वाटर की जितने सारे सी लेवल है, इसलिए सी लेवल आपको पता है कि जब आप पानी रखे हुए हैं, पानी में जब आप बर्फ़ रखते हैं, बर्फ़ पिघलती है तो ये भी पानी बन जाती है, तो पानी की सतह और बढ़ जाती है। जस्ट उसी तरह से दोस्तों, जो जितने सारे बड़े बड़े ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर जब पिघलना स्टार्ट करेंगे तो वाटर की जो सी लेवल जो है ये और इंक्रीज कर जाएगी, और कुछ इस तरह से यहाँ पे वाटर आ जाएगी ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी लेवल को इंक्रीज कर देगी, जिसके कारण बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, कि ये है कॉन्सिक्वेंसेस कि फ्लड आ सकते हैं ठीक है। सी लेवल इंक्रीज करने के कारण फ्लड आ जाएगी, जानने की बात है, जब सी लेवल इंक्रीज कर जाएगी तो जो जितने सारे एरियाज़ है जो कि आपके उस सी लेवल के आसपास आते हैं, तो वो सारे उससे एबव हो जाएंगे, तो वो एरिया डूब जाएंगे, यानी कि फ्लड आ जाएगी, और सब मर्ज हो जाएगी, जितने सारे उसके आसपास में जो लो लाइंग एरियाज है, यानी कि मैंने वही बताया कि जो सी लेवल के आसपास के जितने सारे एरिया है, अगर जो थोड़ा सा भी बढ़ेगा ये, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, फ्लड फ्लड की कॉजेज हो जाएंगे। अगला यहाँ पे, द सी लेवल आर एक्सपेक्टेड टू विटनेस ए राइज ऑफ 23 इंचेस एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। अब देखिए हमने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे 4 से 8 इंच की सी लेवल बढ़ सकती है, 4 से 8 इंच तक सी लेवल बढ़ेगी, तो जितने सारे आसपास के एरिया है उनमें फ्लड आने के चांसेस होंगे। अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कि बिहार में फ्लड आई है, लोग देखिए बिहार में फ्लड आई है ठीक है, बिहार और असम में फ्लड आई है। अब मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए आप तो दिल पे मत लीजिएगा, बट यहाँ पे एक बहुत ही सीरियस सी बात है। देखिए अभी हाल ही में केरला में जब फ्लड आया था, तो सारे जितने सारे एक्टर है, जितने सारे टीवी के जितने सारे एंकर्स है, सारे ने बहुत सारा सपोर्ट किया केरला फ्लड को ठीक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने बहुत सारा फंड किया, यहाँ तक कि हम बात करते हैं अक्षय कुमार, इन्होंने असम फ्लड में बहुत सारे डोनेट किया ठीक है। अब चलिए असम फ्लड में अक्षय कुमार बहुत कुछ करते हैं हमारे देश के लिए, चलिए मैं मानता हूँ, बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ भी केरला फ्लड में बहुत सपोर्ट किए, बट ये जो बिहार में जो फ्लड आई है दोस्तों, इसे कोई देखने वाला नहीं, इसे कोई पूछने वाला नहीं ठीक है। बिहार की फ्लड अभी आपको पता होगा कि दरभंगा एरिया और समस्तीपुर एरिया के बीच में जो बूढ़ी गंडक नदी है ठीक है, गंडक जो रिवर है उसकी सतह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठीक है। अब बिहार में बहुत ही बेकार सी कहा जाए, बहुत ही लाइफ टेकिंग ठीक है, बहुत सारी जानलेवा यहाँ पे फ्लड आ चुकी है, जो कि दरभंगा एरिया में ठीक है। रेलवे लाइन भी वहाँ पे बंद हो गया, आप सोच सकते हैं, आप उम्मीद लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर आप उस एरिया में हो तो आप किस तरह से वहाँ पे सरवाइव करोगे, आप किस तरह से जिएंगे वहाँ पे, किस तरह की स्थिति में होंगे वहाँ के लोग, आप सोच सकते हो। तो यही बात है दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता था कि बिहार जैसी जो राज्य है, यहाँ पे बड़े बड़े IAS यहाँ से निकलते हैं, बड़े बड़े IAS निकलते हैं, बट कोई इन्हें सपोर्ट नहीं करता है ठीक है। अब देखिए बस, खैर चलिए ये तो बाहर की बात हो गई, आप सभी को पता होगा, लेकिन ये सिंपल सी बात है कि बिहार को कोई सपोर्ट नहीं करता है, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े टीवी एक्टर कोई सपोर्ट नहीं करता है ठीक है, बाकी सारे चीज़ में वो लोग करते हैं। खैर छोड़िए ये बात हटाइए, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे अब आ जाइए। तो हमने यहाँ पे सी की बात की, अब देखिए यहाँ पे फ्लड की बात आई, तो फ्लड से मुझे याद आ गया, इसलिए मैं चाहा कि आपको शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया ठीक है। अब देखिए सी लेवल आर एक्सपेक्टेड टू विटनेस ए राइज अप टू 23 इंचेस। अब देखिए हमारा 21वीं सदी जब आ जाएगी, तो अब देखिए हमने यहाँ पे बात किया कि 4 से 8 इंच अगर जो बढ़ जाएगी सी लेवल, तो ही आपके फ्लड की चांसेस आ जाएंगे, फ्लड होने की चांसेस यहाँ पे आ जाएगी। अगर जो यहाँ पे देखिए अब 21st सेंचुरी के एंड तक बताया जा रहा है कि 23 इंचेस यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, सी लेवल बढ़ जाएगी। अब आप उम्मीद लगा सकते हैं 4 से 8 में ही जब फ्लड आ जाती है, जितने सारे एरिया वो सारे सबमर्ज हो जाएंगे। अब आप अनुमान लगाए कि जब 23 डिग्री सॉरी जब 23 इंच सी लेवल की, जब सी की जो लेवल है अगर जो ऊपर के तरफ आ जाएगी, तब सोचिए कि कितना सारा एरिया में फ्लड आएगा, तब क्या होगा इस दुनिया का, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। ये मुझे बताना नहीं, आप खुद अनुमान लगाइए कि जब 4 से 8 में फ्लड आ सकती है, तो 23 इंच में क्या हो जाएगी ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर जो आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ठीक है, और आप अपना प्यारा प्यारा कमेंट, जो भी किसी तरह का कमेंट है दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई की कमेंट हो, आप जैसा कमेंट आपको करने का मन है आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दिल की बात जो है आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है। दोस्तों एक बात और आप करिएगा कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सारे स्टेट्स के लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं ठीक है। तो आप अभी सब अपने आप जो कमेंट करेंगे, अपना स्टेट का नाम जरूर आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस स्टेट के लोग हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं ठीक है, कितने स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच रहा है। तो आप सारे अपने
स्टेट जरूर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, ठीक है। और जो डाउट होगा वो डाउट भी आप कमेंट करेगा, और कुछ बात जो आपको बतानी है आपके RRB JEE के रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट जरूर करेगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, हर एक की कमेंट के मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है गाइज। तो इसके लिए आप बिल्कुल मत सोचिएगा, एकदम फील फ्री टू टॉक विथ मी, ओके। तो आपको एकदम फील फ्री होनी चाहिए, आप एकदम फ्री फील करें मुझसे कुछ भी सवाल पूछने के लिए, ओके। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, ये हमने ओन सीज में जान गए, अब हम बात करते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए सीज में आप तो समझ गए, सीज में जब फ्लड आ जाएगी तो फ्लड से किसे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, फ्लड आएगी तो इंसान को ही ना प्रभाव पड़ेगा, तो ह्यूमन के हेल्थ में तो सारे डायरेक्टली ये प्रभाव पड़ते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो बात है यहाँ पे इसे आप जान लीजिए जो लिखी गई है, ठीक है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ डिजीज सच एज हार्ट स्ट्रोक ड्यूरिंग द हीट वेव, जो हीट के जो वेव होते हैं, जो गर्म की जो लहर जिसे लहर कहते हैं दोस्तों, ठीक है, और हमारे लोकल लैंग्वेज में से झरक भी कहते हैं, ठीक है, झरक, ठीक है। तो ये जो लहर होती है या फिर यानी कि जो हॉट एयर जिसे कहते हैं, ठीक है, हॉट विंड जिसे कहते हैं, उसके कारण दोस्तों हार्ट स्ट्रोक डिजीज भी हो जाते हैं, ठीक है, हीट के वेव्स के कारण। एनसीबीआर ने रिपोर्ट किया था 61% राइज इन डेथ ड्यू टू द हार्ट स्ट्रोक इन 2015 ओवर प्रीवियस ईयर, यानी कि 2015 के बाद यहाँ पे देखा गया था, ठीक है, 2015 के बाद यहाँ पे देखा गया था दोस्तों 61% राइज जो हुई थी, जो डेथ हुई थी वो गर्मी के कारण ही हुई थी, उनको हार्ट स्ट्रोक हुआ था उसके कारण ही हुई थी। अगली पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ एपिडेमिक एंड कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है और एपिडेमिक जो डिजीज होती है इनसे क्या होती है ह्यूमन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रही है, ये सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों एग्रीकल्चर में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जो ह्यूमन ह्यूमन की पार्ट तो हम जान गए कि ह्यूमन में किस तरह से इफेक्ट पड़ेगी, वो सारी सिंपल सी बात है, जितने सारे यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अगर जो ये चीज़ें सारे ह्यूमन पे ही प्रभाव पड़ेगा, जो अनाज नहीं हो रही अच्छे से तो अनाज किसके लिए होता है दोस्तों, ह्यूमन के लिए होता है। तो देखिए अब एग्रीकल्चर यहाँ पे जान जाइए कि एग्रीकल्चर में किस तरह से प्रभाव पड़ती है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट ड्यू टू द वाटर शॉर्टेज, यानी कि जितने सारे आपकी क्रॉप वगैरह हैं उनमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटर की शॉर्टेज के कारण इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। अब किस तरह से वाटर वो सारे चीज़ में देंगे क्रॉप को कि क्रॉप बड़ी हो, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता सूखा आना इसी को कहते हैं, ठीक है। मोर लॉसेस ड्यू टू द पेस्ट अटैक, पेस्ट की जो होती है यानी कि जितने सारे पेस्ट होते हैं उसके अटैक होने के कारण बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे जितने सारे हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज 5-10% ऑफ द क्रॉप अक्रॉस द कंट्री आर लॉस्ट टू पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि ऑलमोस्ट जितने सारे हमारे यहाँ पे क्रॉप होते हैं उसमें से 5-10% जो होते हैं हमारे क्रॉप ये लॉस्ट हो जाते हैं, किसके कारण दोस्तों, पेस्ट के कारण, जितने सारे पेस्ट है कीड़े मकोड़े जितने सारे इनके कारण, ठीक है। तो क्या हो जाता है, पानी ना मिलने के कारण प्लांट इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती प्लांट को, और वो सारे क्रॉप धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। दीज आर एक्सपेक्टेड टू राइज एज हायर टेम्परेचर इनेबल पेस्ट सर्वाइवल, यानी कि देखिए दीज आर एक्सपेक्टेड टू राइज एज हायर टेम्परेचर जितने सारे बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ने लगेंगे, ठीक है। एनेबल पेस्ट सर्वाइवल, पेस्ट की सर्वाइव के लिए जो टेम्परेचर है हाई होना बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो उनके लिए फेवरेबल होती है पेस्ट जितने सारे होते हैं, ठीक है। एंड हायर CO2 कंसेंट्रेशन एलेवेट शुगर लेवल इन द लिप्स मेकिंग अटैक मोर सिवर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों CO2 की अगर जो कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो जितने सारे प्लांट के अंदर जितने सारे लीव्स के अंदर शुगर की लेवल है उसको क्या कर देगी दोस्तों, उसको कम कर देगी, ठीक है, उसको कम कर देगी। तो क्या हो जाएगी, बहुत सारे सीवर अटैक और प्लांट में आने लगेंगे, प्लांट की भी बहुत सारे डिजीज होते हैं वो सारे यहाँ पे होने लगेंगे, और इसके कारण क्रॉप क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉप नष्ट हो जाएगा। राइजिंग क्रॉप लॉसेस ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल वेदर इफेंट, जितने सारे क्रॉप हैं वो अगर जो उग रहे हैं तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी वाटर की कमी के कारण, ठीक है। जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा वाटर धूप ही एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट अगर जो जितने सारे वाटर है सारे हीट उसे एब्जॉर्ब कर लेगी तो दिक्कत हो जाएगी कि प्लांट उसे एब्जॉर्ब करने से पहले ही उसे अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे क्या हो जाएगी दोस्तों जितने सारे वाटर है वो वाटर की लेवल अर्थ के एकदम नीचे चली जाएगी, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है हमारा फार्म इंडेबनेस एंड एग्रीन डिस्ट्रेस, तो ये एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है,
कि आपको डिस्ट्रेस देखने को मिलने वाली है, ठीक है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर फार्म में ही आपको देखने को मिलेगी कि इसमें बहुत सारा गिरावट होने वाली है, ठीक है। अगला यहाँ पे ऑन फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ गया, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी, नॉट ओनली डज इट अकाउंट टू द डिक्लाइन फ्रॉम प्रोडक्शन बट ऑल्सो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रप्शन सीन इन द मरीन इकोसिस्टम, जितने सारे मरीन इकोसिस्टम है उनमें भी बहुत सारे दिक्कत होने वाली है, ठीक है। इट ऑल्सो कुड पुश टुवर्ड हंगर, यानी कि जितने सारे हंगर है, यानी कि अब देखिए जब क्रॉप होगी नहीं, फूड होगी नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, हंगर तो क्रिएट होगी। नियरली देखिए 220 मिलियन इंडियन दैट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड, यानी कि टोटल 220 मिलियन भारतीय हैं, ठीक है, 220 मिलियन भारतीय है जो कि डायरेक्टली डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, जंगल में, अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए या फिर रहने के लिए, ठीक है। इतने लोग हैं जो कि जंगल पे टोटली डिपेंड रहते हैं। अब सोचिए ग्लोबल वार्मिंग होगी तो किस तरह से ये लोग सर्वाइव करेंगे। अब देखिए सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब देखिए सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में आप समझ लीजिए कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगी ग्लोबल वार्मिंग से। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग कुड पुश दोज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर इनटू पॉवर्टी, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारा गरीबी देखने को मिलेगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयड पुश दोज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में सारे को डाल दिया जाएगा। इट ऑल्सो मेक दोज लिविंग इन कोस्टल रीजन एंड सेंट्रल रीजन एक्सपोज टू द हीट वेव्स एंड ड्रॉट मोर लायबल टू फ्यूचर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फ्यूचर में इन्हें हटने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं या फिर कोस्टल इंडिया में रहते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हीट वेव सहने को मिलती है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया की हम बात करें जैसे कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा हीट आपको देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा गर्म देखने को मिलती है, हीट वेव्स, और इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रॉट आ जाएगी, यानी कि सूखा पड़ जाएगी, ठीक है। मोर लायबल टू फ्यूचर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उन्हें वहाँ से हटने की भी चांसेस हो सकती है। देखिए एज पर द UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है इन्होंने बताया है कि इंडिया विल लूज 3.6% ऑफ इट्स डेलाइट। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहीं पे यही बता रहा था, UNDP के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि इंडिया 3.6% ऑफ द डेलाइट वर्क, यानी कि 2025 तक ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि जो डेलाइट वर्क जो है 2025 तक वो 3.6% लूज कर देगी, ठीक है, UNDP ने ये रिपोर्ट किया है, ठीक है। अगला, अपार्ट फ्रॉम दिस वार्मिंग कुड ऑल्सो ट्रिगर कन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज बिटवीन पीपल, पीपल के अंदर जितने सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल अभी के टाइम में उसके कारण क्या हो जाएगी दोस्तों, इसे ट्रिगर कर देगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी जो रिसोर्सेज है, जितने सारे रिसोर्सेज बचे हुए पीपल के बीच में, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाली है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगी। तो देखिए बोथ टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम हैव कम अंडर स्ट्रेस ड्यू टू द टेम्परेचर राइज विच हैज अफेक्टेड फूड चेन। अब देखिए फूड चेन जो हमारी है, जो कि हम आगे से बात करके आ जा रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमारी इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जब टेम्परेचर राइज करेगी तो इनकी फूड चेन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने वाली है, जितने सारे टेरेस्ट्रियल हो गए जो लैंड में रहते हैं, इकोसिस्टम मरीन इकोसिस्टम जो कि वाटर में रहते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात है, क्योंकि फूड चेन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर जो वाटर की टेम्परेचर सतह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, वाटर गर्म हो जाएगी, तो आपको पता है कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जब डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जितने सारे फिश है ये सब मर जाएंगे। अब फिश आपको पता है प्राइमरी यहाँ पे जो फूड चेन है इसमें प्राइमरी फूड फिश ही होती है, तो फिश को खाने फिश जब रहेगी नहीं तो उसको कौन खाएगा, ठीक है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि फूड चेन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 25% ऑफ द मेरीन डाइवर्सिटी दैट इज कंसेंट्रेटेड इन एंड अराउंड कोस्टल रीफ इज अंडर डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू द राइजिंग इंसिडेंट ऑफ द मास कोरल ब्लीचिंग। ये जो मास कोरल ब्लीचिंग होती है दोस्तों, उसके कारण इन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली। देखिए ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, मास कोरल ब्लीचिंग, ये सारी चीज मैं आपको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज आप गूगल भी करके थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इससे इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, मास कोरल ब्लीचिंग के कारण क्या हो जाती है, इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात है। अब कोरल रिफ के बारे में तो पता ही आपको, कोरल रिफ के बारे में मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, अपने पिछले वीडियोज़ में। तो ये मरीन बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम वाली भी बात में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% जो मरीन डाइवर्सिटी वो क्या हो जाती है दोस्तों, कंसेंट्रेटेड होते जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो यह है बायोडाइवर्सिटी में कुछ इस तरह से प्रभाव पड़ती है, इसे आप एक दो बार रीड करेंगे आपको क्लियर हो जाएगी।
अब देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है, इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज की वीडियो में बस हम ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग ही रहने देते हैं, ग्रीन हाउस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने ऐसे दोस्तों में भी क्या करेगा दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाए दोस्तों, बहुत कम दिन बचा है आपके CBT 2 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा फोकस करिए अपने टेक्निकल जो है आपकी, और ये जो बेसिक बेसिक्स ऑफ ये जो आपकी है एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए दोस्तों, और ये जो टेक्निकल है उसे आप अच्छे से देखिए, क्योंकि टेक्निकल ही आपके रिजल्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, और ये वीडियो जो हम जितना भी प्रोवाइड करें उसे आप अच्छे से करिए, और क्वेश्चन की तो दोस्तों आप टेंशन ही मत करिएगा कि क्वेश्चन आपको कहाँ से प्रैक्टिस करानी है। मैं आपको बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन से इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, कम से कम मैं आपको 300 क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और होगा दोस्तों 300, कम से कम 300, आप मैक्सिमम नहीं बोल सकते कि मैं आपको कितना करा पाऊंगा, लेकिन 300 क्वेश्चन तो कम से कम मैं आपको प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा, जिसमें से 50 मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जितने वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हो सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए, और किसी तरह का बात होता है दोस्तों पढ़ाई से रिलेटेड, किसी तरह का दिक्कत होता है आप हमें कमेंट करिए। ठीक है, अपना जो डाउट होता है वो हमें कमेंट करके आप बताइए, हम आपकी कमेंट की जरूर यहाँ पे आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।